थैंक यू सो मच इतनी अच्छी अच्छी विशेज़ के लिए। तो सोचा कि एक अपडेट दे देता हूँ आपको मैं। और अभी टाइम हो रहा है दिन के 2:46, तो सबने अभी लंच कर लिया है और सबको मैंने दवाई भी दे दी है, अभी सब रेस्ट कर रहे हैं। एक एक करके सबके हाल दिखा दूंगा, सब कैसे हैं नीचे जाके, और सब बेटर ही फील कर रहे हैं। तो मैं सबके सामने ना थोड़ा पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि बिल्कुल भी किसी को टेंशन ना हो। सबसे मेन तो यही है ना कि टेंशन नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा पैनिक में नहीं आना है। और तो अच्छे से मैं सब सबको दवाई दे रहा हूँ, सबको खाना पीना, बिकॉज सारे ही पॉजिटिव हैं तो किसी ना किसी को तो करना ही पड़ेगा। तो हम थोड़ा बहुत काम भी बांट रहे हैं, कहीं मम्मी, मैं, साहिल भी कर रहा है, और पीयूष तो वैसे ही छोटा, तो मुझे उसके लिए तो बहुत डर लगती है पीयूष के लिए। तो पीयूष भी नीचे ही है, सभी नीचे है, मैं भी नीचे हूँ। मैं अभी वैसे बस थोड़ा शूट करना सोचा कि ऊपर आते हैं, वैसे ऊपर तो मैं आ ही नहीं रहा हूँ, ऊपर तो बताएं 2 दिन बाद ही आया हूँ मैं। तो अभी चलता हूँ नीचे, दिखाता हूँ, और सबको बस प्रे करना सबके लिए कि सब जल्दी से ठीक हो जाए। तो सबसे पहले तो मम्मी जी हैं यहाँ पे। मम्मी जी कैसा फील कर रहे हो? ठीक फील कर रहे हो? कोई कुछ प्रॉब्लम तो नहीं लग रही ना? कुछ आराम है बेटा, आराम है ना? कुछ मतलब नहीं है। कोई ऐसे सांस लेने में दिक्कत या फिर कोई वैसी तो नहीं है नहीं है बेटा, ना? थोड़ी बहुत तो आपका ही दिन का है ना। कोई नहीं, आप रेस्ट करो। और साहिल और पीयूष इस वाले रूम में हैं, ठीक है? बिल्कुल इन दोनों को ज़्यादा सिम्टम भी नहीं थे, और इन दोनों को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है, ना ही इनको बुखार है, ना ही सिर दर्द है, कुछ भी नहीं है। पीयूष पीयूष को तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी हम बोले ले रहे हैं। फिर भी मतलब मेडिसिन, फिर मेडिसिन सबकी चल रही है क्योंकि सबको पॉजिटिव आ रखा है। इनकी इम्यूनिटी थोड़ी सही है इसीलिए, बट फिर भी हम सारे अलग अलग क्वारंटीन हो रखे हैं। अब जितने रूम है उस हिसाब से, पीयूष तो इस साइड में रह रहा है, साहिल उस साइड में रह रहा है। इस तरह से कुछ दवाई वगैरह ले ली ना? दवाई वगैरह रखी है सबकी, सैनिटाइजर रखे हैं सबके अलग से। अच्छे से कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग रही ना? पक्का ना? बता देना अगर कुछ भी हो तो। बाकी पापा जी इस वाले रूम में हैं, कैसे पापा जी? ठीक हो? अब कोई प्रॉब्लम? पूरी समझते नहीं बोल रहे। थोड़ी बोलने में और सांस लेने में पापा जी को प्रॉब्लम हो रही है, जो कि पहले से तो बहुत ठीक है। मतलब पहले तो मतलब ऑक्सीजन भी काफ़ी डाउन चली गई थी, तो अभी हमने इमरजेंसी के लिए इतना बड़ा सिलेंडर भी रखा हुआ है, काफ़ी चल जाएगा। तो इसको यूज़ नहीं कर रहे हम, सिर्फ इमरजेंसी में यूज़ करेंगे। और यू भी यहीं पर ये सोच रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है यार। हैं बोलू, क्या हुआ? ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर भी हैं, कैंस भी हैं, ये वाले कैंस भी हैं ऑक्सीजन के लिए। कोई प्रॉब्लम होगी तो पापा जी बता दे रहे हैं। बाकी 2 दिन से तो सही लग रहा है ना आपको? एक बार देखना ऑक्सीजन कितनी है। ऑक्सीजन मैं बाबा जी की हर आधे घंटे में चेक कर रहा हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो अभी तो देखो गाइस काफ़ी सही हो गई, 93 हो गई है, ये 71 पे चली गई थी, तो अभी मतलब कंट्रोल में है, जो कि मैं हर चेक कर रहा हूँ हर आधे घंटे में, ठीक है। और सैनिटाइज़र भी सबके अलग अलग रखे हुए हैं, अच्छे से पूरा रूम हम अच्छे सैनिटाइज़ कर रहे हैं, सुबह सुबह उठते ही और शाम को भी टाइम टाइम से। और जो ये बड़ा सिलेंडर है, ये हमको हमारे एक सब्सक्राइबर्स ने दिया है, जिसका नाम है रोहित। सो थैंक यू रोहित भाई इतनी हेल्प करने के लिए। बाकी जो सबकी दवाइयाँ हैं वो कुछ यहाँ पे रखी हैं, इस तरह से पांचों की दवाइयाँ हैं, नाम लिखा हुआ है सबका, सबको अच्छे से सैनिटाइज करके मैं ही दे रहा हूँ सबको दवाइयाँ। और मास्क रखे हैं, तो इनको हम यूज़ एंड थ्रो एकदम से फेंक देते हैं यूज़ करके। और रात को मैं तो यहीं पर सो जाता हूँ, मतलब मुझे रेस्ट करना होता तो मैं यहाँ पर रेस्ट करता हूँ। मम्मी जी यहाँ पे, बाकी साहिल और पीयूष तो यहाँ पे हैं, पापा जी उधर हैं। बाकी वैसे अभी कोई खतरे की बात नहीं है, एक डॉक्टर से हमारी मेडिसिन चल रही है जो कि दिल्ली के हैं, ऑनलाइन ही, क्योंकि अभी ऐसे में अब कोई आएगा तो नहीं। और तो डॉक्टर ने हमको 5 दिन की दवाइयाँ दी है, बोले 5 दिन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाएगा तुम्हारा, उसके 5 दिन बाद फिर से ले लेना। तो देखते हैं 5 दिन में, अभी तो 2 दिन में काफ़ी सुधार आया, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा मैं इतना बोल पा रहा हूँ। ये तो 2 दिन पहले इतनी बुरी हालत थी ना, मतलब सांस भी नहीं लिया जा रहा था, तो अभी काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, सभी को अच्छा फील हो रहा है। साहिल और पीयूष को सबसे मेन है, वो बिल्कुल ठीक है, तो वो अलग ही रह रहे हैं अच्छे से। बाकी खाना पीना तो अब करना पड़ेगा, अब क्या करें, और कोई तो आएगा नहीं, सभी की तबीयत खराब है। तो मम्मी, मैं, साहिल मिलके थोड़ा काम बांट के हम काम कर रहे हैं। बाकी खाने के लिए हमने डिस्पोजल ले रखे अलग अलग, तो इन्हीं में खा रहे हैं, इनको फिर फेंक देते हैं। बाकी जो और फ्रूट्स हैं वो मैं टाइम टाइम पे दे रहा हूँ पूरी फैमिली को, 3 टाइम डॉक्टर ने बोला है कि भर भर के फ्रूट दो, सब्जियाँ दो, तो सब कुछ मैं मैनेज कर रहा हूँ। और बाकी जो सामान लाने का, फ्रूट्स लाना, और ये सब पड़ोस वाले हमारे पारस भैया कर रहे हैं, तो सबको थैंक यू सो मच यार। सबको हो गया ना, तो पंगा ये हो रहा है, नहीं तो अगर एक दो भी ठीक होते तो वो अलग से सारा काम कर सकते थे, बट सबको इतनी वीकनेस हो रही है। अब जितना हमसे हो सकता है, जितना मुझसे अकेले से हो सकता है, मैं तो उतना कर ही रहा हूँ, सुबह से उठ के
रात तक, इसलिए मैं कुछ ज्यादा व्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ। प्रे करना हमारे लिए, नवीन की भी तबीयत खराब होगी देख लो हमारे साथ में रहकर, और वो भी नहीं आएगा अब। और मैंने सोनू भैया को भी बोला है कि आप भी मत आना उनको, सिर्फ मैं सामान मंगाता हूँ, कुछ भी सामान लाना होता तो वो ला के दे देते हैं बाहर से ही, और गौरव भैया भी दे देते हैं, मतलब आस पड़ोस के लोग बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं सभी, सभी को थैंक यू सो मच। और पारस भाई तो अंदर तक आके सब कुछ दे के जा रहे हैं, बाकी तो हम सेफ्टी के साथ रह ही रहे हैं, सब कुछ सैनिटाइज कर रहे हैं, सबके भाप लेने वाले मास्क अलग, खाना हम डिस्पोजल में खा रहे हैं, थर्मामीटर सबके अलग अलग हैं, मतलब जो जो हो सकता है वो सब हम अलग अलग करके और सैनिटाइज करके अच्छे से फिर हम एक दूसरे यूज कर रहे हैं। कभी सोचा नहीं था यार ऐसा भी कुछ होगा, अभी थोड़ा अच्छा फील हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा बहुत आपको अपडेट दे रहा हूँ, बाकी देख ही सकते हो क्या हालत होगी। तो बस यही आपको अपडेट देनी थी, फैमिली में अभी अच्छा फील कर रहे हैं हम, बस प्रे करना हमारे लिए। और आप लोगों से भी कहूँगा कि गाइज घर में रहो, सेफ रहो, बस चाहे कितना इंपॉर्टेंट काम हो घर से बाहर मत निकलो, बिकॉज अगर एक को भी होगा ना पूरी फैमिली को ले बैठेगा हमारी तरह, और अंदर से ऐसी फीलिंग आती है ना कि सांस ही नहीं ले आता यार,